सो हे गाइज, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों 29 मार्च को सिनेमा घर के अंदर फुल एंटरटेनिंग फुल कॉमेडी वाली मूवी क्रू को रिलीज कर दी गई थी। वहीं पर अगर बात करें तो ये मूवी काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पहले दिन पे कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रू मूवी के डे वन के कलेक्शन के बारे में, साथ ही में बात करेंगे अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से क्रू मूवी अपने सेकेंड डे पे यानी कि फर्स्ट सैटरडे के दिन किस तरीके की कलेक्शन के साथ नजर आने वाली है। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके के अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हो, सबसे पहले बात कर ले क्रू मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट में कपिल शर्मा, करीना कपूर, तब्बू एंड कृति सेनन नजर आने वाली है। उसी के साथ अगर बात करें तो ये मूवी फुल टू फुल फन के साथ, एंटरटेनिंग के साथ फुल टू फुल कॉमेडी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो क्रू मूवी को टोटल 30 करोड़ की बजट में बनाई गई है। और वहीं पे अगर बात की जाए तो इस मूवी का जो रिव्यू निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ये मूवी थोड़ी सी ओके तरीके की यानी कि एवरेज तरीके की रिस्पांस के साथ नजर आ रही है। वहीं पे अगर बात करें तो ये मूवी थिएटर के अंदर ऑडियंस को कॉमेडी के मामले में थोड़ी बहुत एंगेजमेंट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ अगर बात की जाए तो ये मूवी अपने पहले दिन पे काफी तगड़ी और बेहतरीन कलेक्शन के साथ नजर आ रही है, जहां पे टोटल 9 करोड़ की नेट इंडिया कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 9 करोड़ की नेट इंडिया कलेक्शन अपने ओपनिंग डे पे फर्स्ट डे पे कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये मूवी काफी धमाकेदार और काफी बेहतरीन तरीके से अपने पहले दिन की कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए तो इस मूवी का जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ये मूवी अभी तक टोटल अपने सेकेंड डे पे 26 लाख की कलेक्शन कम्प्लीट कर चुकी है। यानी कि बहुत ही कम डेटा सेकेंड डे के लिए दिखा रही है, लेकिन एज अ प्रिडिक्शन और एज अ अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्रू मूवी अपने सेकेंड डे पे लगभग 12 करोड़ के आसपास की कलेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ गाइस, कहीं ना कहीं अगर ये मूवी अपने पहले दिन पे फ्राइडे के दिन पे 9 करोड़ की कलेक्शन कर रही है तो 12 करोड़ के ऊपर की एज अ प्रिडिक्शन एज अ अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से 12 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने सेकेंड डे पे कंप्लीट करती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी काफी धुआंधार बेहतरीन तरीके से अपने 3-4 दिन के कलेक्शन में ही अपने बजट को क्रॉस करते हुए अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर एंट्री करती हुई कमाई करती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मूवीज, वेब सीरीज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छोटी से छोटी लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।